नमस्कार दोस्तों दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि दो युवक हैं जो नदी के अंदर यहाँ पे स्नान करने के लिए आए हुए थे और वो डूब गए थे। इन टीम ने दोस्तों कड़ी मशक्कत से है जो बाहर निकला है। सर आप क्या ये बच्चे आए थे नहाने के लिए, तीन बच्चे थे, एक तो बच्चा बाहर निकल गया था और दो बच्चे पानी के गहरे पानी में डूब गए। एक को तो पहले बॉडी निकल गई थी और दूसरी बॉडी निकलते समय बहुत मशक्कत करनी पड़ी, बॉडी तीन बार हाथ में आके वापस फिसल गई और लास्ट में प्रयास करके बॉडी बाहर निकल गई है और प्रशासन और सबका पूरा सहयोग रहा है और ये बॉडी बाहर निकल गई है। और परिजनों को भी हम ये कहते हैं कि बच्चों का थोड़ा ख्याल रखें, बच्चे नदी के किनारे नहाने ना आए, इसलिए गहरा पानी है नदी में, उसको कम पानी समझ के अंदर ना जाए। कितनी मशक्कत लगी, कितनी देर लगी निकालने में? चार घंटे का कड़ी मकसद करने के बाद पूरी टीम खारोड़िया और गौतम जी गहलोत और मदन जी सब मिलके पूरी टीम ने यहाँ के जो नदी के टीम में लोग कितने थे? टीम में करीब 20-15 लोग थे जो यहाँ नदी के किनारे के सब तैराक हैं, उन तैराकों ने मिलके अपने बॉडी को आराम से समझ माली के तैराक थे और जसोल की भी टीम साथ में थी, खारोड़िया की, बालोतरा की, सबने मिलके कड़ी मेहनत करके बाहर निकाला। प्रशासन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब ये लूणी नदी मरुगुंड के बहुत सालों के बाद आती है तो थोड़ी व्यवस्था करे और गश्त टाइम पे गश्त दो तीन बार दिन में अगर गश्त करते रहे तो ऐसे आचे जिंदगी में आगे ऐसे आचे नहीं हो सके। ये हमारे प्रशासन से ये हमारी रिक्वेस्ट है। दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों पानी में स्नान कर रहे हैं यहाँ पे, पानी में जो लड़के वगैरह जो भी स्नान करने आ रहे हैं जो आ रहे हैं उनके गहरे खड्डे भी है, तो प्रशासन भी थोड़ा ध्यान दे, गश्त करते रहे और उनको सतर्क करते रहे कि बच्चे वगैरह ये बिना खड्डों के देख के गुजरते अंदर और बजरी के पहले के खड्डे बने हुए हैं जहाँ पे पानी भी गहरा है, कहीं कम है तो कहीं गहरा भी है, तो गहरे में जाने के बाद में नहीं रहता इतना ही, तो प्रशासन को भी थोड़ा रहे कि थोड़ा यहाँ पे गश्त करते रहे। 15-20 फुट मतलब गहरा खड्डा है यहाँ बजरी का। प्रशासन से बड़ी मशक्कत के बाद 5 घंटे की मेहनत करने के बाद समाज के बच्चे नहाने के लिए तो आगे से ऐसे आसे नहीं होंगे। एक तो दोनों जसोल के लड़के हैं, एक घासी समाज, एक घासी समाज से है, एक है प्रजापत समाज से। धन्यवाद दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि बालोतरा की लूणी नदी की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो युवक इस नदी के अंदर डूब गए थे। पूरा क्या कुछ मामला है ये 13 के हैं जो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर आपको कब सूचना मिली थी? सर हमें ये 4:30 बजे सूचना मिल गई थी। 2 बजे नहीं, समय हमने देखा मोबाइल मेरे पास था, दोपहर में हमें ये सूचना मिली तो हम दोपहर में यहाँ पहुँच गए थे और हमारे पूरी टीम ने यही प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके हम सबों को बाहर निकालें और पहला प्रयास रहता है कि तुरंत प्रभाव से इसलिए पहुँचते हैं कि अगर तुरंत डूबा है तो उसको जीवित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है साहब। आपने एक शव तो लगभग जल्द निकाल दिया था लेकिन दूसरे को निकालने में आपको काफ़ी मशक्कत लगी थी, आपको क्या लगा था? हमें वो बहुत गहरा पानी था उसमें और वो जो बाव है नदी का वो दो तीन तरफ से बाव अलग अलग बाव हैं, तो एक तरफ गहरी कितनी है नदी अंदर? ये नदी गहरी कहीं 20 फीट है, कहीं 15 फीट भी हैं, कहीं 25 फीट भी हो सकती हैं। ऐसे में आपको डर नहीं लगा? सर हम डर इसमें हमारा रोज का काम, हम जब से 7-8 साल के थे तब से हमने यही प्रैक्टिस की है और हम तैरा की है। कब से सीखे? सर हम सर 1990 से। थैंक यू सर। सर आप? हम सर यानी 1995 से हम 10 साल के थे जब से हमने पानी में तैरना सीखा था। आज आप यहाँ आए थे, आपको कब सूचना मिली थी? हमको सूचना 4 बजे मिली थी सर। ऐसा हुआ है कभी आपसे कोई युवक है जो अंदर गिरा, नदी हो, टांका हो, तालाब हो, कोई भी आपसे निकला नहीं, फिर कोई NDRF की वगैरह? नहीं, NDRF की टीम कोई नहीं, हम हमारे साथी सब आते हैं, कैसी भी हो NDRF की टीम हो कोई भी, हम साथ मिलके काम करते, पहले तो हमारे यानी सब टीम साथ में मिलके सब काम करते। सर एक युवक को निकालने में काफ़ी मशक्कत लगी थी, क्या कहेंगे आप, आपको क्या लगा? देखो ये एक पहला जाना वो जल्दी क्या है, गहरे पानी में नहीं गया था इसलिए वो पहला सब तो बाहर निकल गया था जल्दी, दूसरा क्या गहरे पानी में डूब गया था, वो 15-20 फीट गहरा था, तो उस पानी में डूबने से हम गोताखोरा ने बार बार डुबकी के भी लगा के, तो एक दो बार सब हाथ में भी आया वापस भी चल गया, तो फिर वापस उसको हमने मकसद किया, एक घंटा और लगा मकसद करने के बाद फिर वो सब बाहर आ गया। ऐसे में सर कई बार ऐसा होता है कि कई युवकों को तो जल्दी निकाला जाता है लेकिन कईयों को समय लगने के कारण उनकी मौत हो जाती है। भाई जल्दी निकलना तो तुरंत मैसेज मिल जाता है, हम लोग तुरंत पहुँच जाते हैं और तुरंत मिल जाती है बॉडी, तो उसको क्या जीवित बाहर निकल सकता है कि उसमें सांस अटक जाती है, ठीक है, लेकिन जो ज़्यादा टाइम लगता है तो उसकी तो निश्चित ही मृत्यु हो जाती है। आपको अनुभव है पानी के
तो आप क्या कहेंगे लगभग कितने समय अंदर रहता है तो उनकी मौत? मुश्किल से 5 मिनट, 5 मिनट तक अगर वो अंदर रहता है ना तो मतलब लगभग वो पानी में डूब जाता है। लगभग 20 मिनट, 20 मिनट के बाद में उसके प्राण निकल जाते हैं। आप यहाँ कब आए थे? जब 2 बजते ही सूचना मिलते ही सर्वप्रथम हम आए थे। धन्यवाद सर। सर ऐसा माना जाता है कि ये नदी की बहुत गहराई है, इन्होंने अभी बताया है, तो आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि लोग नदी से दूर रहें, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, सभी जो भी बच्चे हैं उनका ध्यान रखें, उनके माता पिता वगैरह नदी के किनारे बच्चों को नहीं आने दें, क्योंकि यहाँ पे गहरे गड्ढे हैं, कहीं पे 20 फीट है, कहीं पर 15 फीट है, कहीं पर 10 फीट है। ऐसा क्यों सर? अभी भी यूथ है जो नदी के पास जाते हैं, अभी भी हमने देखा है नदी के पास जाते हैं, उनको भय नहीं है अभी तक? बच्चे हैं वो समझते नहीं है, उनको भय नहीं है बच्चों को। नदी के किनारे क्या पानी थोड़ा कम है, कहीं कहीं 2-3 फुट पानी है, वहाँ नाच जाते हैं और एकदम बजी हुए गड्ढे पड़े हैं और गड्ढे में गिरना से बाहर नहीं निकल जाते। आप सभी का धन्यवाद, आपने कड़ी मेहनत करके युवकों को बाहर निकाला। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इन्होंने कड़ी मेहनत की और हम आपको बालोतरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि इधर से 3 युवक हैं जो नदी के अंदर स्नान करने के लिए घुसते हैं और 2 युवक की ऐसी बताया जा रहा है कि मौके पर ही मौत हो चुकी है। काफ़ी मशक्क़त के बाद आपको बता दें कि यहां से 2 लोगों को निकाला गया है, एक बच्चा है जो यहां से भाग गया था ऐसा बताया जा रहा है। कि दोस्तों आपको दरअसल बता दें कि यहां से काफ़ी मशक्क़त लगी। हम आपको बार बार खबरों से अपडेट देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि आप नदी से दूर रहिए, लेकिन फिर भी पानी अभी भी यहाँ पर गहरा है, आप देख सकते हैं, और काफ़ी कुछ पानी है यहाँ पर गड्ढे होने की वजह से। आपको बता दें कि 2 युवक हैं इस नदी के अंदर फंस गए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि वो स्नान करने की नहाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद प्रशासन के सहयोग से और कई लोग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखने के लिए आए हुए हैं। आपको दरअसल बता दें कि दोस्तों काफ़ी मशक्क़त के बाद लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम बालोतरा से आपको ये लूणी नदी की तस्वीरें हैं जो दिखा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि लूणी नदी के अंदर 2 युवक हैं जो फंस गए थे, उनको रेस्क्यू टीम ने अब रेस्क्यू कर दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो नहाने के लिए यहाँ पे आए हुए थे और ऐसा बताया जा रहा है कि नहाने के लिए आए हुए थे और उनकी मौत हो गई है नदी के अंदर गिरने से। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बालोतरा के लूणी नदी के अंदर दो युवक हैं जो नहाने के लिए आए हुए थे और वो डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि टीम को है जो काफ़ी मशक्क़त लगी ऐसे में। ब्यूरो रिपोर्ट SKZ TV, धन्यवाद।